नमस्कार। आज श्री रामचरित मानस अनुभूति कार्यक्रम का 14वां दिन है। आप सबका स्वागत है। आइए गुरु मंत्र से शुरू करेंगे। गुरुरेव गति गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरो परमं शिशिरस्मि गुरो मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। अरण्यकांड श्री रामचरित मानस अनुभूति कार्यक्रम पठन श्रवण वाचन भाव गायन दिवस 14 मंगलाचरण होगा। भक्त भगवान की भेंट होगी, राम सुग्रीव मैत्री होगी, वाली वध होगा और तारा ओध। तो इस 14वें दिवस में प्रणाम, स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, सौभाग्य राम कथा पुनः आपके सामने उपस्थित हैं। थैंक यू गॉड फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स। सुखासन लीजिए, संयम पूर्वक ध्यान और धारणा में आज हम भक्त और भगवान की भेंट देखने वाले हैं। सबसे पहले हनुमान जी, कैसे पहली बार जब हनुमान जी का राम कथा में आगमन होता है और किस तरह से, किस वेश में आके उनसे मिलते हैं, और कैसे ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत होते हैं, कैसे परिचय होता है, कैसे समर्पित कर देते हैं खुद को। तो इस तरह से हम आज का प्रारंभ करते हैं। तो चलिए, ओम वर्णा नाम अर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रघुवंशनाथम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार बरनउ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। कथा प्रारंभ होत है सुनो वीर हनुमान राम लखन सिया जान की सदा करें कल्याण। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। उमा मैम, हमसे एक छोटी सी भूल हो गई। पहली वाली स्लाइड में हमने अरण्य कांड ही लिखा है, हालांकि आज किष्किंधा कांड शुरू हो रहा है। सॉरी, ये जी कितना कांड है। ओके हाँ जी, अरण्य कांड हमारा कल पूर्ण हुआ और आज किष्किंधा कांड में प्रवेश करे हैं। क्षमा कीजिएगा, राम सुग्रीव मैत्री प्रसंग है। आगे चले बहुरी रघुराया ऋष्य मुख पर्वत नियराया। चल रहे हैं, शोक विक्षिप्त हैं भगवान राम, जानकी का को ढूंढते हुए चले आ रहे हैं। जनक नंदिनी यहाँ वहां कहाँ मिले, सबसे पूछते हुए आ रहे हैं। तो शबरी से मिलके जब आगे बढ़ते हैं ना, तो तब के लिए बुलाए कि आगे चले बहुरी रघुराया ऋष्य मुख पर्वत नियर आया। शबरी ने बताया था कि आपको पंपा सर के साथ साथ चलते हुए जाइए, ऋष्य मुख पर्वत मिलेगा, वहां सुग्रीव जो है वो आपकी मदद कर सकते हैं, वो कुछ बताएंगे। तो इस तरह से, और सुग्रीव जो है पर्वत की चोटी पर रहते हैं, ऐसे रहते हैं कि डरे हुए सहमे हुए से अपने भाई बाली से डरते हैं। तो क्योंकि बाली ऋष्यमुख पर्वत पे जा नहीं सकता, कुछ कारण है, कोई अंतः कथा है, आप पता करिएगा कि क्या कारण है। तो बाली ने दूर से देखा कि ये, अरे ये तपस्वी जैसे युवा और हाथों में बाण लिए, कोई बाली ने तो नहीं भेज दिया किसी को।
तो उन्होंने हनुमान जी को भेजा कि जाओ कपी, पता करो जाके ये कौन है हमारे क्षेत्र में, हमारी टेरिटरी में कौन आ गए हैं ये अपरिचित लोग, जरा पता करो। और जब तुम जाओ तो मेरी तरफ मुंह करके उनसे बातचीत करना, ताकि मैं तुम्हारे हाव भाव से समझ जाऊं कि ये लोग मित्रवत हो सकते हैं या हमारे लिए कोई हानिकारक एलिमेंट तो नहीं है। तो ऐसे करके इशारे से मुझे बता देना, ऐसे करके। और हनुमान जी जो है एक विप्र जैसा रूप करके पढ़े लिखे विद्वान की तरह से ना जाते हैं और भगवान के पास। और इतना सुंदर प्रसंग है, जो पहली भेंट पहली बार हनुमान जी ने दूत का कार्य किया है, हम लोग ये सोचते हैं कि वो लंका ही गए जी, नहीं, पहला जो कार्य है दूत का उन्होंने यही किया है। वो सुग्रीव के दूत बन के भगवान के पास आते हैं, और जब वो वार्तालाप होता है वो बहुत सुंदर है प्रसंग। अभी हम पृष्ठ खुलेंगे तो भगवान से प्रश्न करते जाते हैं, पूछते जाते हैं, और क्या भाषा बोलते हैं, क्या शब्द बोलते हैं, तो इस पे बात होगी। तो राम जी कैसे अपना परिचय देते हैं, कोसले से दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बनाए, बड़ी सरलता से कि अपनी सारी कहानी ऐसे बता देते हैं, बिल्कुल निष्कपट सरल सच्चाई से। तो फिर जो है हनुमान जी बताते हैं कि नाथ सैल पर कपिपति रहे, वानरों के राजा हैं वो इस पर्वत पे रह रहे हैं। तो हनुमान जी अपनी विद्वत्ता से समझ जाते हैं थोड़ी सी बातचीत से कि इनको किसी समर्थ की मदद की आवश्यकता है, लेकिन हमारा जो कपिपति सुग्रीव है उसको भी मदद चाहिए। तो दोनों ही जो हैं आर्त हैं, दुखी हैं, और बल चाहते हैं, सामर्थ्य चाहते हैं, और सहारा चाहते हैं, है ना। तो वो एक प्रस्ताव रखते हैं कि हे नाथ, शैल पर कपिपति रहते हैं सुग्रीव, तो मैत्री का प्रस्ताव देते हैं। और फिर राम जी तैयार हो जाते हैं, तो लक्ष्मण जी बोल देते हैं तो चलिए, कि फिर हनुमान जी तो अपने कंधे पे बिठा के बड़े चित्र आपको मिलते हैं ऐसे, कि हनुमान जी भगवान को, दोनों को, राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठा के ले जाते हैं। और कीनी प्रीति कछु बीच ना राखा, ये आज का जो प्रसंग है ना पूरा, ऐसे मित्रता के रस में सराबोर है, पूरा मित्रता को समर्पित है आज का, कि कैसे मैत्री हो, कैसे निभाई जाए, कैसे मित्र में क्या क्या देखें, और एक आदर्श मित्र के जो लक्षण है भगवान ने अपने मुंह से बताए हैं और बताया है, एकदम आदर्श प्रस्तुत किया है कि मित्र से मिलते ही पहले उसका काम करते हैं, दोनों को एक दूसरे के सहारे की जरूरत है, पर कैसे जब मित्र से परिचय होता है तो कैसे उसके कार्य में लग जाते हैं, ये आज का प्रसंग ऐसा है। तो कीनी प्रीति कछु बीच ना राखा, और यहाँ बहुत सुंदर बात ये है कि मित्रता कैसे होती है। हम लोगों ने आज तक देखा है कि विवाह जो है वो अग्नि के चारों ओर फेरे लेके किया जाता है, अग्नि को साक्षी बना के शादियां होती है ना। तो मित्रता भी हनुमान जी अग्नि के साक्षी में करवाते हैं, देखिए अग्नि कितना बड़ा साक्षी है। तो अग्नि तत्व का महत्व कैसे बताया है इसमें, कि मित्रता के लिए सुंदर कोमल भावों को जो है बढ़ाने, चलाने, निभाने के लिए भी अग्नि कैसे साक्षी हो सकती है। तो अग्नि को साक्षी बना के मित्रता होती है। और फिर कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिलही नाथ मिथिलेश कुमारी। राम जी ने जब अपनी बात सुनाई तो उन्होंने कहा सुग्रीव ने कि मिथिलेश कुमारी अवश्य आपको मिलेंगी, है ना। फिर सुग्रीव, फिर राम जी पूछते हैं कि तुम इस जंगल में क्यों रह रहे हो, तुम बताओ। तो फिर नाथ बाली और मैं दो भाई, तो बाली भी अपनी आप बीती, बड़ी कष्ट वाली कहानी है उसकी, बड़ी मार्मिक कथा है। जो सुग्रीव की जो पूर्व प्रसंग है वो आपको जानना है, वो आपको अंत कथा में ढूंढना है कि क्या हुआ था, क्या कारण था जो उसको सुग्रीव को जाके पर्वत की चोटी पर छुप छुप के जीवन बिताना पड़ रहा था, है ना। तो फिर बताई उसने सारी कहानी सुग्रीव ने, तो फिर राम जी के तो भुजाएं फड़कने लग गई, हाँ, और इतने क्रोध में आ गए, सुनो सुग्रीव मारी हूँ बाली ही, एक ही मान, एक बाण से मैं उस बाली को
मार डालूंगा। फिर राम जी एक अच्छे मित्र के लक्षण बताते हैं, और फिर बताते नहीं है आगे, कह सुग्रीव सुनो रघुवीरा, बाली महाबल अति रण धीरा। भेज देते हैं उसको, जा तू बाली के साथ लड़। तो लेकिन जाता है, पिटके आ जाता है, क्योंकि बाली सच में बहुत बली है। तो फिर कहता है, अरे आपने तो मुझे भेज दिया, और देखो। तो फिर उन्होंने कहा, अरे तुम दोनों की शक्ल एक जैसी है, मैं तो पहचान ही नहीं पाया, मैं तो बाण चला देता लेकिन किसको मारूं, है ना। तो फिर राम जी उसके गले में माला डाल के भेजते हैं कि जा, मैं तेरे को पहचान जाऊंगा, और पेड़ के पीछे से छुप के उस पर बाण चला देते हैं। जैसे ही बाण लगा, बाली तो प्राण कंठ में आ गए। हाँ, तो फिर कह रहा है कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोई मारा। अरे आप इसको कब से जानते हो, मैं आपका वैरी हो गया और सुग्रीव मेरा भाई तुम्हारा बहुत प्यारा हो गया, क्या कारण है मुझे मारा है। बहुत सुंदर मंत्र है जो भगवान राम ने दिया है इस समय पर। उन्होंने कहा कि अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम एचारी। बोले कि भाई की पत्नी, बहन, बेटे की पत्नी, ये चार जो कन्या, ये सब जो है ना, ये चार कन्या के समान होते हैं। तो बाली ने क्या किया था कि उसको बाण, क्या दुराचार किया था, है ना। तो उसका दंड भगवान राम ने उसको दिया कि इनमें से चारों में से कोई भी एक हो ना, तो उसको उसके प्राण हरने में कोई हानि नहीं है, तो उसको दंड, प्राण दंड दिया जा सकता है, ये बताया। तो फिर बाली का उद्धार, बोल बाली तेरे को जीवित कर दूं क्या, अगर तू प्राण नहीं, तू वध के लायक था इसलिए मैंने तेरा वध किया, तो बोल। तो कहता है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। कहते कि जो जन्म जन्मांतर तक जो है मुनि तपस्या करते रहते हैं, यत्न करते रहते हैं, और अंत समय में राम उनके मुंह से नहीं निकलता, राम शब्द ही नहीं निकलता, और मेरे सामने प्रत्यक्ष राम खड़े हैं। मैं पागल हूँ जो जीवन चाहूंगा, मुझे जीवन किस लिए चाहिए, मुझे जन्म लाभ तो जीते जी मिल गया, है ना। तो ये इतना सुंदर प्रसंग है आज का। उसके बाद जो है उसकी पत्नी तारा जो है आती है, रोती है भगवान जी के सामने, बहुत विलाप करती है। तो तारा को भगवान कैसे दो पंक्तियों में बोध करा देते हैं, बता देते हैं उसको कि ये जीवन मरण का ये सत्य क्या है, ये जीवन क्या है ना। तो ये तो पंच तत्वों का एक पुतला है, पांच क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, है ना। तो ये तो पांच तत्वों से मिला हुआ शरीर है, ये तो अंत में मिट्टी में ही मिलना है। अरे पड़ा है तेरे सामने, ले जा, है तो इसमें क्या है, तो बोल इसको जीवित करूं। तो तारा को बोध होता है कि ये शरीर तो जाना ही जाना है। तो बड़ा सुंदर प्रसंग है। उसके बाद सुग्रीव का राज्याभिषेक हो जाता है, और अंगद को युवराज का पद मिल जाता है। बाली पुत्र अंगद को बाली जाते जाते ना भगवान को सौंप देता है कि मुझे तो प्राणों की लालसा नहीं है, मेरे पुत्र को का ध्यान रखिएगा। तो भगवान की गोद में डाल देते हैं, गोद में मतलब कि उनको सौंप देते हैं। युवराज है, बड़ा है, बली है, पिता के समान ही। बहुत सुंदर प्रसंग आएगा अंगद का भी लंका कांड में। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, श्री रामचरित मानस अनुभूति में, श्री रामचरित मानस, किष्किंधा कांड, चतुर्थ सोपान, ओम श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, चतुर्थ सोपान, किष्किंधा कांड, मंगलाचरण। कुंदेन्दी वर सुंदरावती बलौ, विज्ञान धामावुभौ, शोभाढ्यौ वर धन्मिनौ, श्रुति नुतौ गोविंद गोविप्रवृंद प्रियौ, माया मानुष रूपिणौ रघुवरौ, सद्धर्म वर्मौ हितौ, सीतान्वेषण तत्परौ पथि गतौ, भक्ति प्रदौ तौ हिनः। कुंद पुष्प
और नील कमल के समान सुंदर और गौर गौर और शाम्भर, अत्यंत बलवान, विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न, श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदों के द्वारा वंदित, गौ और ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए, श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच रूप, सबके हितकारी, श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप, रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हों। ब्रह्माम्भोधि समुद्भवम् कलिमल प्रध्वंसनम् चाव्ययम् श्रीमत् शम्भुमुखेन्दु सुन्दर वरे संशोभितम् सर्वदा संसारामयभेषजम् सुखकरम् श्री जानकी जीवनम् धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम् श्री राम नामामृतम्। वे सुकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य हैं जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट करने कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर और श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान, जन्म मरण रूपी रोग के औषध सबको सुख देने वाले और जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते हैं। राम नाम को प्रणाम। श्री राम सुग्रीव मैत्री प्रसंग चलते हैं। आगे चले बहुरी रघुराया ऋष्य मुख पर्वत नियराया। सुनैना जी। किष्किंधा कांड श्री राम सुग्रीव मैत्री प्रसंग। आगे चले बहुरी रघुराया ऋष्य मुख पर्वत निहराया। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। आगे चले बहुरी रघुराया ऋष्य मुख पर्वत निहराया। तहरह सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखी अतुल बल सीवा। अति समीत कह सुन हनुमाना अति समीत कह सुन हनुमाना। पुरुष जुगल बल रूप निधाना धरि बटु रूप देखु ते जाई कहे सुजानी जिय सारन बुझाई। पठे बाली हो ही मन मेला भागो तुरत तजो यह सेला। हाँ जी, आगे चले। इसका मैं बता चुकी कि ऋष्यमुख पर्वत मिला, वहां सुग्रीव अपने सचिव मंत्रियों के साथ में रहते हैं और हनुमान जी उनके मंत्री ही हैं। आवत देखी अतुल बल सीवा, ऐसे लगा कि बड़े बलशाली धनुर्धर आ रहे हैं, है ना। डर गया कि तपस्वी वेश में है। हाँ, दोनों के बल रूप निधान दोनों को देखकर तो फिर तो हनुमान जी बटु रूप देख तै जाई, अरे विप्र रूप, बटु बटुक जो है ना उसका रूप लेके जाओ और मुझे इशारे से कही जिए जानी सयन बुझाई। अगर कोई विपरीत परिस्थिति देखे तो मुझे इशारे से बता देना। पठई बाली हो ही मन मैला भाव तुरंत तजो ये शैला। अगर बाली ने भेजा होगा तो तुरंत मुझे इशारा करना और हम यहाँ से भाग लेंगे। तो इस तरह से राम जी को देख के सुग्रीव जी का ये रिएक्शन है। आप जो है चल पड़े बटुक के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्त भगवान भेंट राम हनुमान मिलन। हाँ जी। राम सुग्रीव मैत्री प्रसंग। भक्त भगवान भेंट श्री राम हनुमान मिलन। मंगल भवन अमंगल हारी दवौ सो दशरथ अजर बिहारी। विप्र रूप धरि कपि तह गयो मात नाई पूछत अस भयो। को तुम श्यामल गौर सरीरा छत्री रूप फिर हूँ बन बीरा।
कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह मन आतप बाता। की तुम तीन देव महको, नर नारायण की तुम दो। जग कारण तारण भव, भंजन धरणी भार। की तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। कौशलेश हनुमान जी दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। इहां हरि निशिचर आपन चरित कहा हम गाई, कहु भी प्रनिज कथा बुझाई। मंगल भवन मंगल हारी, रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। प्रभु पहचानी परउ गई जरना, सो सुख उमालाई नहीं बरना। पुलकित तन मुख आवना बचना, देखत रुचिर वेश के रचना। पुनि धीरज धरिया स्तुति कीनी, हर्ष हृदय निज नाथ ही चीनी। मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछहु कस नर की नाई। मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछहु कस नर की नाई। तब माया बस फिरऊ बुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि बिसारे हो, दीन बंधु भगवान। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जन भोरे। नाथ जीव तव माया मोहा, सोने सरे तुम्हारे ही छोहा। तापर मैं रघुबीर दोहाई, जानऊ नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहहि असोच बनई प्रभु पोसे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। अस कही परउ चरण अकुलाई, निज तनु प्रगटि प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। सुनु कपि सुंदरपति जिय मानस जनी ऊना, तें मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। सो अनन्य जाके असि मति न करई हनुमंत, मैं
सचराचर रूप स्वामी भगवंत मंगल भवन मंगलहारी तव सुदशरथ अचिर बिहारी मंगल भवन मंगलहारी तव सुदशरथ अचिर बिहारी। बहुत सुंदर है। भगवान भक्त भेंट हनुमान जी ने जब पूछा, विप्र रूप धर के चले गए और ब्राह्मण का रूप धर के गए, मस्तक नवाकर ऐसे पूछने लगे, हे वीर सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुस्सह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं, या आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतारने के लिए, पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य जन्म लिया है ना? तो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रश्न बे प्रश्न। तो क्या कह रहे हैं? राम जी ने बोला, कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मानी बनाए। सारी सरलता से कहानी सुना दी कि कौशल राज दशरथ के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर हम वन में आए हैं। राम लक्ष्मण हैं, हम दोनों भाई हैं और हमारे साथ में सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते हुए फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र सुना दिया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझा के कहो। अब भगवान को पहचाना, प्रभु ही प्रभु पहचानी, परयो गई चरणा, चरणों में गिर गए, पृथ्वी पर गिर पड़े, चरण पकड़ लिए, साष्टांग दंडवत किया, है ना? शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, यह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता, शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं आ रहे हैं, प्रभु के सुंदर वेश की रचना को देखे जा रहे हैं। फिर धीरज धर के स्तुति करते हैं, अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। और फिर हनुमान जी ने क्या कहा कि हे स्वामी, मैंने तो पूछा सो पूछा, वो मेरा पूछना तो न्याय था, वर्षों के बाद आपको देखा, वो भी तपस्वी के वेश में, मेरी तो वानर बुद्धि यही है कि मैं पहचान ही नहीं सका। मोर न्याऊं मैं पूछूं साईं, तुम पूछो कस नर की नाई, तुम कैसे मनुष्य की तरह से पूछ रहे हो, आप तो सब जानते हो हैं, मैं तो आपकी माया के वशीभूत हो, जन्म जन्मांतर से फिरे चले जा रहा हूं, मैंने तो इसलिए नहीं पहचाना। हाँ, तो कह रहे हैं, ए हे नाथ, एक तो मैं यो ही मंद बुद्धि हूँ, मंद मोह बस मोह है मुझे, मोह के वश में हूँ, तीसरा हृदय का कुटिल और अज्ञानी हूँ, फिर हे दीन बंधु भगवान आपने भी मुझे भुला दिया। हाँ, तो क्या है, पुनि प्रभु मोहि बिसारे हो, दीन बंधु भगवान आपने क्यों, मेरे में इतने गुण हैं भले ही, तो भी सेवक जो है स्वामी की विस्मृति में ना पड़े, मतलब स्वामी को भूल नहीं जाना चाहिए, चाहे सेवक में कितने भी गुण हो। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, नाथ जीव तब माया मोहा, है ना, वे आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है, आप चाहें तो माया का पर्दा गिर सकता है। हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूँ कि मैं कोई भजन साधन नहीं जानता हूँ, जानू नहीं कछु भजन उपाय, कोई उपाय नहीं है, सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है, जैसे बच्चा जो आश्वस्त रहता है ना माता के, तो प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ेगा, है ना, ऐसे बोल रहे हैं। तो सेवक सुध पति मात भरोसे, रही असोच बनाई प्रभु को से। तो ऐसे कह के चरणों में गिर गए, व्याकुल हो गए, अपने शरीर की कोई सुध नहीं रही है ना, और अपने वास्तविक रूप को प्रकट कर दिया, निज तनु प्रगटी प्रीति उर छाई, अपने वास्तविक रूप में आ गए। तब भगवान ने उठा के हृदय से लगा लिया, प्रेम छा गया, और जो है नेत्रों के जल से सींच कर उसको शीतल किया। कहाँ है
निज लोचन जल सींच जुड़ावा, उसको जुड़ा लिया, पकड़े रखे और अपने आंसुओं से सींच दिया। तो जो है राम जी ने क्या कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, बुरा मत मानना, मन छोटा मत करो, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो, है ना, तैं मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, ऐसे कह रहे हैं। हाँ, सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, मेरे लिए ना कोई प्रिय है ना अप्रिय है, मेरे लिए ना कोई छोटा है ना बड़ा है, पर मुझको अपने सेवक प्रिय हैं, क्योंकि वे अनन्य गति होता है, जिसको कोई और गति नहीं है ना, वो जो अनन्य गति है वो मेरा बहुत प्यारा होता है, ऐसे कहना चाह रहे हैं। जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूं और ये चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है, जो जो जितनी भी जो बाह्य प्रपंच दृष्टि गोचर जो हमें अनुभव होता है बाह्य संसार ये ईश्वर का है, जो ये मान लेता है ना, तो वो मुझे बहुत प्रिय है। तो ऐसे जो चलिए अब जो है स्वामी को अनुकूल जान के और प्रसन्न देखकर पवन कुमार जो है हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सारे सब दुख जाते रहे। तो पवन पुत्र ने बताया, नाथ सैल पर कपि पति रहई, इस पर्वत पर जो है कौन सा पर्वत था, ऋष्यमुख पर्वत पर कपिपति जो है वानरों के राजा रहते हैं। तो ऐसे देखते हैं आप क्या हुआ, क्या बताते हैं, राम सुग्रीव मैत्री का प्रस्ताव देते हैं, मेरे ख्याल ऐसे ही पढ़ दिया जाए। सुनैना जी अर्थ बताती ये हूँ, हमारे पास नहीं है मैम, है राम सुग्रीव मैत्री का हमारे पास देखी पवन सुत पति अनुकूला। है हमारे पास। ओके श्री राम सुग्रीव मैत्री हनुमान जी द्वारा राम सुग्रीव मैत्री का प्रस्ताव, नाथ सैल पर कपि पति रहई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष भीति सब सूला। नाथ सैल पर कपि पति रहई, सो सुग्रीव दास तब अहई। तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानी तेहि अभय करीजे। सो सीता कर खोज कराई, जहें तहें मर कट कोटि पठाई। एहि विधि सकल कथा समझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। सादर मिले उजाई पद माथा, भेट अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन बिचारे ही रीति, करे हई विधि मोसने प्रीति। तब हनुमंत उभय ऋषि की सब कथा सुनाई। पाक साखी दे करी जोरी, प्रीति दृढ़ाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। कीनी प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। ऐ सुग्रीव नयन भरि बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। कह सुग्रीव नयन भरि बारी, कह सुग्रीव नयन भरि बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। मंत्रिन सहित इहाँ इकबारा, बैठ रहूं मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत मिल पाता।
देखी दीन बटारी मांगा राम तुरत तेही दीना पट उर लाई सोच अति कीना। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा तजहु सोच मन आनहु धीरा। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करि हऊँ सेवकाई जेहि विधि मिलहि जानकी आई। हाँ जी, राम सुग्रीव मैत्री होती है ना। तो शैल पर कभी पति रहे ही कह के कंधे पर बिठाया, और जो है दीन जानकर निर्भय कर दीजिए सुग्रीव को, सीता जी की खोज कराएंगे और जहां तहां करोड़ों वानरों को भेज देंगे, आप मैत्री करिए। तो इस तरह से सारी बातें समझा के हनुमान जी राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को पीठ पर चढ़ा लिया। और जब सुग्रीव ने राम जी को देखा तो अपने जन्म को धन्य पाया। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले, रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित गले लगाकर मिले। सुग्रीव मन में ऐसे सोचते हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे। कपि कर मन विचार एही रीति, करियहिं विधि सो सने प्रीति, क्या ये मेरे से दोस्ती करेंगे। हाँ, संकुचित हो रहे हैं। तब हनुमंत उभय दिशि दोनों दोनों तरफ की कथा सुना दी, क्योंकि राम जी से परिचय हो चुका था। हनुमान जी ने जाके सुग्रीव को बताया और वहीं बैठे बैठे सुग्रीव की भी सारी कथा सुना दी। हाँ, तो फिर इस तरह से कीनी प्रीति कछु बीच न राखा, पावक साथी देई करी जोरी प्रीति दृढ़ाई, अग्नि प्रज्वलित करके उनकी जो है प्रीति जुड़ाई। जैसे तो अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी, जैसे शादी के फेरे में वचन भरते हैं ना। देखिए क्या परंपरा है, कितना सुंदर विचार है। दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा, लक्ष्मण जी ने सब बताया। तो सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, कह सुग्रीव नयन भरे बारी, मिली ही नाथ मिथिलेश कुमारी। ये नाथ मिथिलेश कन्या अवश्य मिलेंगी, आप चिंता मत करिए। तो क्या फिर सुग्रीव अपनी आगे बता रहे हैं कि हे नाथ, जानकी मिलेंगी। एक बार हम यहाँ मंत्रियों के साथ मैं बैठा हुआ था, हृदय में कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने शत्रु के वश में पड़ी हुई बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से, मतलब उन्होंने अनुमान किया कि यही सीता होंगी जो यहाँ से रावण लेकर जा रहा था, है ना। तो देखा था, तो हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम ऐसे कह के एक वस्त्र, एक पोटली गिराई थी। तो राम जी ने उस पोटली को मांगा, वस्त्र मांगा, तो सुग्रीव ने तुरंत दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर राम जी बहुत देर तक सोचते रहे, बहुत सोच किया, दुख हुआ उनको। और सुग्रीव रघुवर को दुखी देखकर बोले कि कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा तजहु सोच मन आयहु धीरा। अपने मन में धैर्य धारण करो, सब प्रकार करिहउँ सेवकाई जेहि बिधि मिलहि जानकी आई। जिस तरह से जानकी मिलेंगी ना, मैं पूरा प्रयास आपके लिए करूंगा। तो ये है मैत्री का वचन जो दोनों तरफ से हो रहा है। तो फिर उसके बाद राम जी ने कहा कि अरे तुम क्यों रहते हो यहाँ वन में। तो ये आगे हमारी कथा फिर शुरू होती है। ये यहाँ राम सुग्रीव मैत्री के प्रसंग में मैं आपको बताना चाहूंगी कि इससे भी ज्यादा तो तुलसी रामायण में इससे ज्यादा लिखा है, हमने बहुत ही संक्षिप्त लिया है। और लेकिन यदि आप वाल्मीकि रामायण देखेंगे तो किष्किंधा कांड के 1 से 5 सर्ग जो है, पूरे 5 चैप्टर इस राम हनुमान जी, जो राम जी से मिलते हैं ना, ये उसी पर ही 5 चैप्टर दे रखे हैं, इस मैत्री और इस पर। और जब मित्रता हो जाती है तो उसमें वाल्मीकि रामायण के जो कोटेशन मैं दे रही हूँ
यत्न से लिखी है, मुझे बहुत पसंद है। ये जब ये राम सुग्रीव मैत्री हुई अग्नि के सामने, उस समय सुग्रीव और राम की इस प्रेम पूर्ण मैत्री के प्रसंग में सीता के प्रफुल्ल कमल जैसे, अशोक वाटिका में बैठी है सीता, सीता के प्रफुल्ल कमल जैसे, वाली के सुवर्ण जैसे, गोल्डन कलर का है वानर वाली, वाली के सुवर्ण जैसे तथा निशाचरों के प्रज्वलित अग्नि जैसे, बाएं नेत्र एक साथ फड़क उठे। आंख का फड़कना एक अच्छा या खराब शगुन होता है मेल फीमेल के हिसाब से, तो शगुन में आप विश्वास करते हैं नहीं करते हैं, इधर अच्छा शगुन हुआ जानकी जी को, है ना, उधर जो है अपशगुन हुआ वाली को, बाया नेत्र उनका फड़का वाली, और राक्षस लंका के राक्षस, तो देखिए कितना सुंदर भाव शब्द संयोजन किया है। तो राम सुग्रीव मैत्री आप तुलसीदास रामचरितमानस में तो पढ़ेंगे ही, पढ़ ही रहे हैं, उसमें डुबकी हो ही रही है, लेकिन जो पढ़ने के विशेष इच्छुक हैं वो वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड 1 से 5 सर्ग पढ़े डालिए, जीवन लाभ लगेगा आपको इस सुंदर भक्त भगवान की भेंट को पढ़ के। बाली प्रसंग शुरू होता है हमारा, नाथ बाली और मैं दो भाई। देखिए सुग्रीव अपनी कथा तो सुनाते हैं, यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि लेकिन मित्र की सामर्थ्य कितनी है, कि उसने कहा बाली तो बहुत बलवान है, भगवान राम कहते हैं मैं तो एक ही बाण से उसको मार डालूंगा, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो फिर वो कहते हैं टेस्ट दो, तो भगवान राम ने एक बाण से साल के वृक्ष जो थे, 7 जो पेड़ जो हैं लाइन में लगे हुए थे, एक बाण से एक बाण मारा, उन सारे पेड़ों को छेदता हुआ बाण पार हो गया, एक लाइन में लगे पेड़ों को, तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ था, बहुत खुश हुआ था राम जी से। अच्छा ठीक है, तो ऐसे फिर युद्ध करने चल देता है, अच्छा तो कूद कूद के, तो फिर क्या होता है चलिए देखते हैं। अब हम सुग्रीव की जी आप बीती है, नाथ वाली और मैं दो भाई, कानन कवन बसव बन मोही कहो सुग्रीव। तो राम जी कहते हैं बताओ क्या कारण है, नाथ वाली अरु मैं दो भाई, तब निज कथा सुग्रीव सुनाई। क्या सुनाई कथा, अंतः कथा में पढ़ लीजिएगा, श्री रामचरितमानस में से, है ना, तुन सेवक दुख दीन दयाला, फरकी उठी द्वय भुजा विशाला। सेवक की बात सुन के भगवान जी के दोनों बाजू खड़क उठी, वीरता में, है ना, वीर रस में, क्रोध में, शत्रु को मार डालने के लिए उनकी भुजाएं फड़कने लगी। ठीक है, तो राम जी क्या कहते हैं, सुन सुग्रीव मारी हूँ बाली ये कई बाण, सुन सुग्रीव मारी हूँ बाली ये कई बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नौभरे प्राण। अब राम जी भी अपनी मित्रता की प्रतिज्ञा बताते हैं कि तुम्हारा शत्रु वाली है ना, उसका वध कर दूंगा, एक बाण मैं ऐसा मारूंगा कि ब्रह्मा रुद्र भी जो है, ब्रह्मा ब्रह्मा और महेश भी जो है आ जाए ना, तो भी बचा नहीं पाएंगे उसके प्राणों को। तो नैना जी आगे बढ़े, जी तो इसमें राम जी जो है सुग्रीव को मैत्री का लक्षण बताते हैं, भगवान राम के मुख से मित्रता क्या होती है, कैसा मित्र होना चाहिए, क्या 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 उसके लक्षण विशेषताएं होनी चाहिए, और कैसे कैसे मित्र के वेश में अगर कुमित्र हो तो वो कैसे त्याज्य है, उसको कैसे पहचाने कि ये हमारा मित्र नहीं है, ये हमारा हितकारी नहीं हो सकता, तो ये सारी जो बात है ये भगवान ने सन्मित्र लक्षण, बहुत सुंदर है प्रसंग, इसको हम देखते हैं। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनई बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं हो जाता है ना, उसको तो देखना भी बड़ा पाप है, तो मित्र के दुख में जो दुखी हो जाए वही सन्मित्र हो सकता है ना। तो ये अब हम इस पे चलते हैं, सुनाना जी। श्री राम जी के द्वारा सुग्रीव को सन्मित्र के लक्षण बताना। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सदशरथ अजीर बिहारी। जे न मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि लोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समर जा करि जाना, मित्र क दुख रहि
मेरु समाना, जिनके असीमति सहजनाई, ते सख कतहठि करत मिताई, कुंभक निवारि सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुबावा, लेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा, सेवक सठन कृपण गुणारी, कपटी मित्र शूल समचारी, सखा सोच त्याग बुबल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे, सखा सोच त्याग बुबल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। हाँ जी, जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते ना, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान जानना चाहिए, और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु बड़े भारी पर्वत के समान जाने। ऐसा ही मित्र है, जिन्हें स्वभाव से ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मित्र मूर्ख मित्र हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं? यानी कि जो अपने कष्ट को एक तरफ रख के मित्र के हित के लिए साधन नहीं कर सकते हैं, हित नहीं साध सकते हैं, तो वो क्यों मित्रता करें? जरूरत नहीं है। तो जो है, मित्र का धर्म है कि मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलाए, है ना, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपाए। मित्र के गुण प्रकट करने का मौका मिलते ही बताए, और उसके अवगुण कोई हो तो उसको भेद रखे, है ना। तो कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रकटे अवगुण ही। अपने मित्र को अगर वो बुरे गलत रास्ते पर जा रहा है, तो उसको सुपंथ भी बताए, उसको सही मार्ग भी बताए। देत लेत मन शंक न धरे, मन में शंका ना करे लेन देन में, बल अनुमान सदा हित करे, अपने बल का अनुमान करके हमेशा हित को करे। विपत्ति काल कर सद्गुण नेहा, कि जो है अपने बल के अनुसार सदा हित करता रहे। विपत्ति के समय तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण जो है, लक्षण यही है। जो सामने तो बना बनाकर कोमल वचन बोलता है और पीठ पीछे बुराई करता है, तथा मन में कुटिलता रखता है, हे भाई, जिसका मन सांप की तरह चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है ना। तो इसके बाद एक और सूत्र भगवान दे रहे हैं, सेवक सठ नृप कृपण कुनारी, कपटी मित्र शूल समाचारी। अगर जो है ना, मूर्ख सेवक नहीं होना चाहिए, कंजूस राजा नहीं होना चाहिए, कुलटा स्त्री नहीं होनी चाहिए, और कपटी मित्र, ये चारों क्योंकि शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं, इनका सानिध्य पीड़ा देता है। ये सखा, अब कह रहे हैं, उसको आश्वस्त करते हैं, सखा सोच त्यागो बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे, मैं सब तरह से तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हारे काम आऊंगा, तुम जो है चिंता मत करो। तो ऐसे है। अब जो कह सुग्रीव सुनौ रघुबीरा, बाली महाबल अति रण धीरा। सुग्रीव कहता है कि मेरा भाई बाली तो बड़ा बलवान है, आपने सहायता करने का तो बोल दिया, लेकिन उसके बल का आपको नहीं पता। हाँ, तो फिर आगे क्या होता है? चलिए, ये वही, इसके आगे वही कहानी आ रही है कि दुंदुभि अस्थि ताल देख राए, बिन प्रयास रघुनाथ ढहाए। तो ये जो है, हड्डियों के ढेर दिखाए और ताल अस्थि ताल दिखाए, और वृक्ष भी, जो 7 पेड़ों की बात मैं बोल रही हूँ, वो भी राम जी ने बिन प्रयास जो है बाण जब चलाया। इसमें बहुत सुंदर इमेजेस, मिनिएचर पेंटिंग और इंडियन स्कल्पचर में भी है, दिखेगा, जो लाइन से बाण जो है उनके ऊपर राम जी बाण चला रहे हैं, तो वो देखेगा, देगा। ओके, तो अमित प्रीति बल
देखी अमित बल बाड़ी प्रीति, बाली बदब इन भई परती थी। उसको लग गया कि ये बाली को मार डालेंगे, है ना। चल पड़े लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गई धाथा। और जो है चलिए सुनैना जी, ये हमको पढ़ना ही है। नहीं हुआ मैम, है हमारे पास। ओके, तो ठीक चलिए, बस समझ में आ रहा है बिल्कुल। है, बजाती हूँ। हाँ प्रसंग कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रण धीरा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रण धीरा। दुन दुबि अस्थि लाल लहराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। देखी अमित बल बाड़ी प्रीति, बाली बदब इन भई परतीति। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले जाप सायक गही हाथा। तब रघुपति रघुपति सुग्रीव पठावा, गरज सी जाई निकट बल पावा। बिरे उभौ बाली अति तर जा, मुठिका मारी महाधुनि कर जा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मोष्टि प्रहार बज समलागा। मैं कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। हाँ एक जी, रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रमते नहीं मारेउ सो। एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रमते नहीं मारेउ सो। कर परसा सुग्रीव सरीरा, तनु भाकुलिस गई सब पीरा। मेली कंठ सुमन कै माला, पठवा सुनि बल देई बिसाला। उनी नाना नाना विधि भई लड़ाई, बिटप होट देखई रघुराई। बहु छल बल सुग्रीव कर, हारा भय मानी। मारा बाली राम तब, हृदय माज सरतानी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सु दशरथ अचिर बिहारी। परा बिकल मही सर के आगे, पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे। श्याम गात सर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म नाना जी रोकिए, पाना प्रभु चीना। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। धर्म हेतु अवतरेउ गोसाई, मारे हूँ मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। मंगल भवन अमंगल द्रव मु सुदस रथ अजीर बिहारी। मैं मेरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। अनुज वधू भगिनी सुतना, सुन सठ कन्या समय चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलो गई जो,
बंधे कछु पाप ना होई। सुनहु राम स्वामी सन चलना चातुरी मोरी, प्रभु अजहु मैं पापी अंतकाल गति तोरी। सुनत राम अति कोमलवाणी, पाली शीश पर सेउ निज पानी। अचल करौं तन राखहु प्राणा, मालिक हा सुनु कृपा निधाना। जनम जनम मुनि जतन करानी, अंत राम कहावत नाही। ममलोचन गोचर सोइयावा, बहुरी की प्रभु अस वही बनावा। अवनाथ करी करुणा बिलोकहु, देहु जो वर मांगहु, जेहि जो निज मऊ कर्म बस तह राम पद अनुरागहु। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण पद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर नाभ आपन दास अंगद कीजिए। रामचरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकीन तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानई नाग। तो इस तरह से बाली जो है कैसे ईश्वर का धाम प्राप्त करता है, कि उसको बहुत शिकायत हो रही थी कि मुझे क्यों मारा, छुपके व्याध की तरह से, शिकारी की तरह से मेरे को मार डाला है, तो क्यों वो, तो राम जी ने बता दिया कि ये शील और सदाचार की बात है ना, जो तुमने दुराचार किया है उसके लिए तुमको वध ही करना उचित था। तो बोलो तो मैं जीवित कर दूं क्या, चाहिए शरीर क्या। तो फिर जो है, फिर बाली कहते हैं, सुनो राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी, मेरी कोई चतुराई नहीं चल रही है आपके आगे, है ना, मैं तो आज ही इस पापी इस शरीर को छोड़ के मैं आपकी गति को प्राप्त करूंगा। राम जी ने तो फिर कहते हैं कि बोलो जिंदा कर दूं, तो कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाई, अंत में राम नहीं मिलते हैं, जन्म जन्म तक योगी मुनि लगे रहते हैं, तो मेरे सामने वो प्रत्यक्ष राम खड़े हैं, तो मैं क्यों, जिनके नाम नाम अंत समय में जिह्वा पे आ जाए, इसके लिए पूरी आयु की आयु पर्यंत जो है वो तप जप साधना करते हैं और अंत में राम नहीं आता मुंह पे, वो राम प्रत्यक्ष मेरे सामने खड़े हैं, हाँ तो मुझे क्यों जीवन चाहिए। तो कहते हैं कि जो है लास्ट में उसने यही मांगा कि ये तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रभु लीजिए, ओके, गही बांह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए, इस मेरे पुत्र अंगद को ना अपना दास बनाइए, मैं तो ये शरीर छोड़ रहा हूं। रामचरण दृढ़ प्रीति करी, बाली कीन तन त्याग, बाली ने शरीर का उनके सामने ही त्याग कर दिया। कैसे, देखिए कैसे शरीर छोड़ा उस पापी ने, कि सुमन माल जिमी कंठ ते गिरत न जानई नाग। नाग का एक अर्थ होता है हाथी, जैसे हाथी की सूंड से फूलों की माला बिना प्रयास के गिर जाती है, इतने आसानी से जो कंठ से गिर जाती है, तो ऐसे ही जो है उसने प्राण त्याग कर दिए, इतनी सरलता से उसके प्राण निकले, तो ईश्वर ने उसको अपना पद दिया। तो अब जो है बाली का वध सुना, तो तारा जो है आई है, रोती है, विलाप करती है, तो इसका मैं बताती हूँ कि पंच तत्व से निर्मित काया का बाली ने प्रभु के सामने त्याग कर दिया और ईश्वर के परम धाम को प्राप्त हुआ। समाचार मिला और नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़ पड़े।
तो बाली की स्त्री तारा अनेक प्रकार से विलाप करती है, उसके बाल बिखरे हुए हैं, देह की संभाल नहीं है। तारा राम जी के पास आती है, व्याकुल देखकर रघुनाथ जी ने जो उसको ज्ञान दिया, तो उसकी माया, उसके सारे अज्ञान को ही हर लिया। राम जी तारा को क्या समझाते हैं, ये राम जी के शब्द हैं। छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। हाँ, तो चलिए इसको पढ़ते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, इन पांच तत्वों से ये जो है अधम शरीर रचा गया है। ये शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है, और जीव नित्य है। जो इसमें से निकल के चले गया ना, उसका मरण नहीं होने वाला, वो नश्वर नहीं है। ये नष्ट प्राय शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम किसके लिए रो रही हो? उस जीव जो अनित्य है उसके लिए रो रही हो, या ये जो नष्ट हो गया इसके लिए रो रही हो? तारा को ज्ञान हुआ, तब वह भगवान के चरणों में लगी और उसने परम भक्ति को पाया, वर मांग लिया। तो तारा के बोध के साथ ही चलिए पढ़ते हैं, हम इसको वाचन करेंगे, फुल वॉल्यूम में गाइएगा सब लोग। पालीवत प्रसंग। छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तारा का बोध। छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोक सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस न देह समारा। तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरिलीनी माया। छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। प्रगट सुतनु तव आगे सोवा, जीव नित्य केहि लगी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन सि परम भगति बरमानी। तारा को ज्ञान हुआ, भगवान के चरणों में लगी और उसमें परम भक्ति का वर मांग लिया। तो इसके साथ ही जो है सुग्रीव का राज्याभिषेक होता है, और अंगद सुग्रीव को आज्ञा दी, और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब तब मृतक कर्म किया। और तब राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से सब लोग रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले, और तुरंत लक्ष्मण जी ने तुरंत सब नगर वासियों और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया, और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। भगवान राम तो नगर में जा नहीं सकते थे, तो जो सुग्रीव दिन रात वाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को भगवान ने वानरों का राजा बना दिया और अपनी मैत्री को खूब निभाया। इस तरह से राम जी ने बाली को स्वधाम, सुग्रीव को उसको खोया हुआ राज्य, और अंगद को युवराज का पद, और तारा को ज्ञान के उपदेश से अनुग्रहित किया। तो आज का हमारे आज की कथा यहीं तक चल रही है। हाँ, प्रश्न है कुछ? यस, अंत कथा में आपको देखना है कि सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर क्यों रहता था, वह अपने भाई बाली से क्यों डरता था, और राम सुग्रीव की मित्रता कराते हुए हनुमान जी ने अग्नि क्यों प्रदीप्त की। ठीक है, तो
आज के संदर्भ में हम ढूंढेंगे। अभी आज जो चर्चा 5-10 मिनट होने जा रही है उसमें आप बताएंगे कि हनुमान जी की राम जी से पहली भेंट से हमें उनके किन किन गुणों का पता चलता है, और राम जी ने सुग्रीव को एक अच्छे मित्र के क्या क्या लक्षण बताए थे। तो ये इन दोनों के ऊपर ही जो बोलेंगे आज, उस पर ही अपने विचार बताइए कि हनुमान जी की पहली भेंट, जितना हमने हनुमान जी को आज देखा सुना समझा जाना, उसके अनुसार बताइए कि क्या क्या गुण आपके सामने आए। यही जिज्ञासा है, आज हमारी जिज्ञासा है, आप समाधान देंगे। उमा मैम, एक चंद्रदेव जी ने प्रश्न पूछा है। जय सिया राम माता जी, आपके मुखर बिंदु से रामचरितमानस बहुत मिठास प्रदान करती है। भगवान राम इन बाली को क्यों चुप छुप कर बाण मारा, सॉरी वो इंग्लिश का हिंदी में पढ़ रही हूँ, बाली को क्यों छुप कर बाण मारा, वो तो भगवान थे, बाली को वो सामने से चुनौती देकर मार सकते थे। राम जी तो स्वयं नारायण हैं, तो इस प्रकार बाली को छुप के मारने की कोई जरूरत नहीं थी। बाली को छुप कर मारना क्या भगवान की किया लीला थी, और राम जी की इस लीला के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? हरे कृष्णा हरे राम। हाँ जी, वाली जो है सुग्रीव का शत्रु था, उसी को भेजा था मारने के लिए, ललकारने के लिए, युद्ध करने के लिए, और वही गया था। तो लेकिन राम जी को बाण मारना पड़ा, राम जी ने प्रतिज्ञा करी थी, उसको बोला था कि तेरे शत्रु का हनन मैं करूंगा, एक बाण से ही मारूंगा, एक तो अपनी प्रतिज्ञा पर। दूसरा, उन्होंने जब वाली ने प्रश्न किया कि ये इसकी काफी चर्चा हो गई है कि मुझे छुप के क्यों मारा, व्याध की तरह से क्यों मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, तो उन्होंने क्या कहा था, अनुज वधु भगनी सुत नारी ते सब, ये सब चारों जो मारने के अधिकारी हैं, ये दंड के अधिकारी हैं, है ना, तो ये कारण भी उन्होंने जस्टिफाई किया कि उन्होंने बाण क्यों चलाया, उसको जस्टिफाई, दुराचारी था। हाँ जी चंचल जी, हनुमान जी क्वालिटी बहुत चतुर पंडित। अच्छा, हनुमान जी की क्वालिटी बता रहे हैं। ज्ञान के भंडार मोस्ट पावरफुल, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, ही इज वेरी डियर टू राम, ही कैन चेंज हिज फॉर्म। थैंक यू चंद्रदेव जी। यस बहुत अच्छा बताया, लेकिन अभी अष्ट सिद्धि नौ निधियां उनके सामने आई नहीं है, अभी तो हमें सिर्फ इतना ही पढ़ा है, पता लगा है कि वो एक रूप बदल के आए। देखो, उनकी रूप बदलने की क्षमता थी, अपना वेश बदल सकते थे जब मर्जी, है ना। और दूसरा, इतने ज्ञानवान, वाक पटु, निपुण, भाषा समृद्ध थे। वाल्मीकि रामायण का मैंने रेफरेंस इसलिए दिया कि उसमें जब आप पढ़ेंगे ना, तो जो उन्होंने राम लक्ष्मण से, राम जी ने लक्ष्मण को बोला कि देखो ये क्या कह रहा है, इसकी बात सुनो, ये आया है ना, तो लक्ष्मण, तो इतने प्रश्न हनुमान जी ने किए, तो राम जी सारा सुन के पूछते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं, राम जी लक्ष्मण कोई जवाब नहीं देते हैं। फिर कहते हैं हनुमान जी कि अरे मैं आपसे प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहा हूँ, आप मुझे कोई उत्तर क्यों नहीं देते हैं। तो फिर हनुमान जी ने अपने बारे में बताना शुरू करा कि मैं वेश बदल सकता हूँ, तो इस तरह की वार्ता है। तो राम जी ने लक्ष्मण को कहा कि देखो ये विप्र जो है, ये कितना भाषा समृद्ध है, इसने एक भी व्याकरण की गलती नहीं करी, और ये इतनी सुंदर इसने भाषा बोली है, इसने चारों वेदों का बार बार पाठ कर रखा है, ये व्याकरण का बिल्कुल इसकी उंगलियों पर है ना, तो ये भाषा का बहुत धनी है। तो इस तरह से राम जी ने भी उनकी तारीफ करी थी, तो हमें पता ये चलता है कि वो बड़े स्मार्ट हैं बात करने में, वाणी में बड़े निपुण हैं, वेश बदलने में बहुत निपुण है, बॉडी लैंग्वेज उनकी बड़ी अच्छी है, कि राम जी और वो उनको देख के डर नहीं गए, क्योंकि वो तो भीम रूप भी हो सकते हैं, है ना, तो कुछ कुछ बातें आती हैं। और बताइए, विनय जी का भी हाथ खड़ा, मैं उनको पहले कर देती हूँ। विनय जी बोलिए प्लीज। हाँ मैम नमस्ते। नमस्ते। हाँ, कह रहा था कि ऋषि लोग पर्वत पे जो है वो इसलिए रह रहे थे कि सुग्रीव को पता था कि अगर बाली जो है वो ऋषि मुख पर्वत पे जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि मतंग ऋषि ने उसको श्राप दिया था कि अगर तुम यहाँ पे पांव रखोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बहुत बढ़िया, थैंक यू, वेरी नाइस, थैंक यू, नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू विनय जी। चंचल जी आप हैं यहाँ तो प्लीज अनम्यूट करिए। हाँ जी
मैंने कहीं पढ़ा था कि वाली को यह वरदान था, जो भी उसके सामने होके उसे लड़ेगा उसका आधा बल, लड़ने वाले का आधा बल इसमें आ जाएगा। तो राम जी ने इसलिए छुप के मारा कि मतलब उनका बल उसको न जाए। पता नहीं ठीक है कि गलत है, पर मैंने पढ़ा था कहीं। मैंने भी ये पढ़ा हुआ है। थैंक यू सो मच, आपने याद दिलाया। वाली की ये विशेषता थी कि वो आधा बल तो जी शत्रु का ले लेता था, हरण कर लेता था। जी तो पर उसकी भावना कितनी उच्च थी। उसने कहा कि मैं जन्म जन्म आपसे यही मांगता हूं कि जिस जन्म में जाऊं मैं आपका ही वो आपकी भक्ति। करूं। हाँ जी, आप बहुत अच्छा बता रही हैं, बहुत अच्छा बता रही हैं। राम थैंक राम यू सो जी, राम राम जी। मच। थैंक यू चंचल जी। यस गोपाल जी, गुड मॉर्निंग, आप बोलिए प्लीज। वाली को राम ने बता था कि तो हम तो बांट लिया है, भरत ने राज्यपाल करेगा और हम लोग हमने अरण्य पालित करेगा। तो अरण्य में जंतुओं को और तो जानवर को हम वो मारने से वो पेड़ के नीचे भी खड़े होकर भी मार सकता है, आप तो जानवर है। तो वाली ने बताता है कि मैं ऐसा जानवर नहीं हूँ जो किसी और जानवर को मारता हूँ जैसा। वो बोलता है मारने का क्या है, मारो या ना मारो, आप तो जानवर है इसलिए मैं आपको बाण चला सकता हूँ करके। ये वाल्मीकि रामायण में देखा है मैंने। हाँ जी, पशुतुल्य आचरण उसका था, इसलिए उसको मारा, और छुप के मारा, वो भी आधे बल वाली बात है। तो बड़े सारे कारण होते हैं, हर जो 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 भी होता है हमारी जीवन में भी ऐसे हर दिन होता है कि कुछ भी या हम करते हैं, गलती करते हैं या अच्छा करते हैं, तो उसके उसके पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हम ये सारे जो है ना त्रिगुणात्मक जो सृष्टि के अंग हैं, तीनों गुणों में उलझे हुए चलते रहते हैं, तो लेकिन विवेक को जागृत रखें ये जरूरी है। थैंक यू गोपाल जी। मदन जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए मदन जी प्लीज। जी आपने कहा था कि राम जी और सुग्रीव जी के मित्रता के बीच में अग्नि जलाई गई थी, हाँ जी तो वो एक दूसरे को ये कहना चाहते हैं कि हम जीवन भर एक दूसरे का साथ देंगे और आपके कष्ट में मैं आपका उद्धार करूंगा। वही सुग्रीव जी भी राम जी को कहना चाहते हैं कि हम भी सीता को ढूंढने में आपकी मदद करेंगे, और इन्होंने भी कहा था कि वाली से आपका राज्य और आपकी पत्नी को बचाने के लिए हम आपकी मदद करेंगे। ये उनकी मित्रता की एक प्रतिज्ञा थी कि हम जीवन भर एक दूसरे का साथ देंगे। बहुत सुंदर बताया, थैंक यू सो मच। प्रतिज्ञा उन्होंने अग्नि के सामने की, हमारा कोई साक्षी होता है ना, देखो हाँ एक न्याय हमको चाहिए होता है तो उसके लिए कोर्ट में भी साक्षी जरूर है। तो एक मनुष्य तो मरण धर्मा है, अग्नि तत्व तो प्रकृति का एक पंच तत्वों का एक हिस्सा है, हर जगह है ना, तो इसलिए उस अमर तत्व को साक्षी बनाया हो। जी, हाँ जी थैंक एक्चुअली यू। आपका आपका जो ये कथा सुन के हम पूरा परिवार बैठ गया है। पहले क्या मैं अकेला बैठता था, अभी पूरा परिवार हम बैठ के सुनने शुरुआत कर दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच। बहुत सारी गलतियां होती हैं, क्षमा करिएगा, तो गलतियां भी होती हैं प्लीज। नहीं नहीं आपसे कोई गलतियां नहीं होती हैं, आप बहुत नहीं आ अच्छा सुनाती हैं। आप मानेंगे नहीं, पहले वो बैठते थे उनके साथ मैं बैठी, अब मेरी 10 साल की बेटी भी बैठती है, उसे क्या थोड़ा बहुत जो बात है, समझ में आता है वो समझ के वो हमको कहानी बताती है कि वो मैडम वो कहना चाहती है करके। जी हाँ जी यही ज्ञान परंपरा है, इसी को ज्ञान परंपरा कह रहे हैं कि जो हमें पता है वो अगली पीढ़ी को ही तो पहुंचाना हमारा काम है ना। तो ये बहुत सुंदर बात है, ये बहुत बड़ी ईश्वर की अनुकंपा है कि बच्चे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। और मैं पार्टिसिपेंट्स में भी देखती हूँ कि जो बहुत यंग लोग, बहुत लर्नेड लोग, हमें कुछ नहीं आता है सच में, हम तो तुलसीदास जी की वाणी को ही बोल रहे हैं, लेकिन ईश्वर का नाम सुंदर है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। राम राम। राम राम। तो आज का सेशन हम लोग, अच्छा सॉरी, कुछ क्वेश्चंस हैं। मित्र के लक्षण चंद्रदेव जी कह रहे हैं, जो मित्र के दुख में दुखी है वो सही मित्र नहीं है।
नहीं, जो मित्र के दुख में दुखी है वो सही मित्र नहीं है। मित्र का छोटा दुख भी बड़े पहाड़ के समान लगता है। अग्नि से इसलिए जलाया था क्योंकि अग्नि पवित्र होती है और साक्षी का एक स्वरूप है। थैंक बहुत सुंदर। अग्नि में हर यू। कुछ सारे जो है नेगेटिविटी, सारे जो सब कुछ जला डालती है उसके सामने, है ना, तो पवित्रता की प्रतीक है। थैंक यू। ओके, जी नमस्कार, कल फिर मिलेंगे। प्रणाम। प्रणाम। अपने और प्रश्न होंगे लिख दीजिएगा प्लीज, हम उत्तर ढूंढेंगे, हमें भी पता चलेगा। थैंक यू सो मच। जय सी जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रणाम, आभार, हमें आपकी प्रतीक्षा रहेगी।